तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ देखकर आप लोगों का तो माथा ही ठनक गया होगा कि ओ माय गॉड, इतना लंबा चौड़ा पढ़ना है और इतना लंबा चैप्टर का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। देखने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, समझने में मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होगा, चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोग को क्या बोली हूँ कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी किताब को उसके कवर, उसके खोल से नहीं आंकना चाहिए। उसी तरह इस चैप्टर को भी आप लोग नाम देखकर, नाम पढ़कर, इस चैप्टर का टाइटल पढ़कर ये मत जज करें कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ होगा, नहीं समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना इजी वे में मैं आप लोग को समझाऊंगी ना कि हर एक चीज़ आप लोग के माइंड में जाकर बैठ जाएगी, एकदम फिट हो जाएगी और हर एक चीज़ एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये चैप्टर नंबर 3 का नाम है। क्या मतलब हुआ इसका? वैसे पुराने पुराने लफ्ज़, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, यानी कि वैसे पुराने पुराने लफ्ज़ जो हम लोग सदियों से बोलते चले आ रहे हैं, उन लफ्ज़ों की तहकीक की गई है, यानी कि रिसर्च किया गया है इस चैप्टर में कि आखिर वो लफ्ज़, वो शब्द आए किस ज़ुबान से हैं, किस भाषा से आए हैं और उस भाषा में उस लफ्ज़ का माने क्या है, यानी कि मतलब क्या है। तो उन सभी लफ्ज़ों की तहकीक की गई है, रिसर्च किया गया इस चैप्टर में, इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल क्या रख दिया गया है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, यानी कि वैसे पुराने पुराने लफ्ज़ जो हम लोग सदियों से बोलते चले आ रहे हैं, उन लफ्ज़ों की तहकीक रिसर्च किया गया इस चैप्टर में। रिसर्च करने वाले कौन है, यानी कि इस चैप्टर के राइटर, मुसन्निफ़ कौन है, लेखक, तो वो है सैयद सुलेमान नदवी, याद रखिएगा। और ये चैप्टर जो है ना, एक मज़मून है, यानी कि निबंध है, जो कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों के की नई तहकीक के ऊपर लिखा गया है मज़मून। और मैं आप लोगों को बताई थी ना, मज़मून 4 प्रकार का होता है। निबंध कितने प्रकार का? उर्दू में मज़मून 4 प्रकार का, एक तनकीदी मज़मून, एक इल्मी मज़मून, एक ज़रीफ़ाना और एक इंशाइया, ये 4 टाइप होता है मज़मून का। तो बताइए, ये जो चैप्टर है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये तो मज़मून है, लेकिन ये मज़मून में भी कौन सा मज़मून है? चारों टाइप जो होता है, इन चारों में से कौन सा मज़मून है बताइए? इस चैप्टर को पढ़कर आप लोग को इल्म होगा ना, सीखने को मिलेगा कुछ, यानी कि ये जो मज़मून है ये एक इल्मी मज़मून है। और इसके पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे मिट्टी का तेल, वो भी एक मज़मून था और वो भी इल्मी मज़मून था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सैयद सुलेमान नदवी, यानी कि मुसन्निफ़ के बारे में जितना भी डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है, चलिए उन सभी डिटेल्स को समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राइटर से तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। चैप्टर से 40% क्वेश्चन पूछता है और राइटर से 60%, दोनों पढ़ना आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैयद सुलेमान नदवी के बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए, इनकी पैदाइश हुई थी 22 नवंबर 1884 को बिहार के एक मर्दुमखेज बस्ती, जो अब मौजूदा नालंदा जिला में है, और वो बस्ती का नाम मैं लिखना भूल गई हूँ, उस बस्ती का नाम था दसना, याद रखिएगा दसना। ठीक है, 22 नवंबर 1884 को सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी बिहार के एक बस्ती जो कि मर्दुमखेज बस्ती था। क्या नाम था उस बस्ती का? दसना, याद रखिएगा, दसना में, जो कि अब ये दसना कहाँ है, नालंदा ज़िला में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद, यानी कि इनके पिताजी का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन। इनकी जो इब्तदाई तालीम है अपने गांव और आसपास की बस्तियों के उलमा से हुई, यानी कि जो भी शुरुआती शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का काम होता है, ये अपने गांव में ही किए थे और आसपास के जो बस्ती के उलमा थे उनसे तालीम हासिल किए थे, शुरुआती शिक्षा लिए थे। फिर आगे की तालीम के लिए ये फुलवारी शरीफ और मदरसा इमदादिया दरभंगा में दाखिल हुए। कहाँ गए आगे की तालीम, आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए? वो फुलवारी शरीफ गए, फिर फुलवारी शरीफ से मदरसा इमदादिया दरभंगा में उनका एडमिशन हुआ, और फिर और आगे आला तालीम हासिल करने के लिए 1901 में वो गए थे दारुल उलूम नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी पढ़ाई करने के लिए। लेकिन यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछ दिया था, पता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा था, कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा का ताल्लुक किससे है? ऑप्शन में दिया था सैयद सुलेमान नदवी, तो अब विजुअली बात है ना, सैयद सुलेमान नदवी तो गए थे दारुल उलूम नदवतुल उलमा में पढ़ाई करने के लिए, तो जो स्टूडेंट पढ़े होंगे वो तो सैयद सुलेमान नदवी टिक करके आए होंगे, एकदम सही सही। तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछे कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा का संबंध, यानी कि ताल्लुक किससे है, तो सैयद सुलेमान नदवी, यही तो गए थे पढ़ने के लिए। और जब ये दारुल उलूम नदवतुल उलमा में पहुँचे तो वहीं पर सैयद सुलेमान नदवी की मुलाकात हुई शिबली नमानी से। ये शिबली नमानी थे सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद, यानी कि टीचर, और शिबली नमानी से ही सैयद सुलेमान नदवी जो है ना, जो भी आप बोल सकते हैं
राय मशवरे लेना रहता था उन्हीं से लेते थे, शिबली नमानी अपने टीचर से ही लेते थे। जो भी लिखना हो, सैयद सुलेमान अदवी को अगर शेर लिखना था, नज़म लिखना था, गज़ल लिखना था, तो राय मशवरे जो है ना वो अपने टीचर उस्ताद शिबली नमानी से ही लिया करते थे। आगे बढ़ते हैं, इनका पहला मज़मून का नाम है खातूनों की तालीम। सैयद सुलेमान अदवी का पहला मज़मून, पहला निबंध का नाम याद रखिएगा खातूनों की तालीम, जो कि 1902 में पटना के रिसाला यानी कि पटना का एक पत्रिका है अलपंच, वहाँ से शाये हुआ, प्रकाशित हुआ। सैयद सुलेमान अदवी का पहला मज़मून खातूनों की तालीम 1902 में पटना के एक रिसाला अलपंच से शाये हुआ, याद रखना है। इस बार क्वेश्चन पूछ भी दिया था कि सैयद सुलेमान अदवी का जो पहला मज़मून है खातूनों की तालीम वो कहाँ से, किस रिसाले से शाये हुआ, तो रिसाला का नाम है अलपंच। तो ये भी हर एक एक पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताते चल रही हूँ। अब उसको आप लोगों को माइंड में, मतलब उसको ध्यान में रख लेना है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और तुरंत याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 1902 में तो इनका पहला मज़मून शाये हो गया, प्रकाशित हो गया, और उसी साल 1902 में ही उनका एक और मज़मून आखिर वक्त, क्या नाम था मज़मून का, आखिर वक्त भी लाहौर से शाये हुआ। तो लाहौर से उनका एक और मज़मून शाये हो गया जिसका नाम था आखिर वक्त, आखिर वक्त, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 1903 में उनके अशार, नज़में और गज़लें भी शाये होने लगे। 1903 तक मतलब ये इनके शेर व शायरी, नज़म अब बोल सकते कविता वगैरह, गज़ल वगैरह शाये प्रकाशित होने लगा। 1913 में मौलाना अबुल कलाम का अखबार अल हलाल से वाबस्ता भी हुए। सैयद सुलेमान नदवी जो है ना वो 1913 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो एक अखबार था अल हलाल, इससे भी रिलेट हो गए, संबंधित हो गए, और उसमें भी काम कर रहे थे सैयद सुलेमान नदवी। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, इनके सैयद सुलेमान नदवी के जो उस्ताद थे शिबली नमानी, इनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से ये अल हलाल नाम का जो अखबार था इससे मतलब ये आप बोल सकते हैं इसको छोड़ दिए, इसमें काम करना छोड़ दिए, और फिर ये उस्ताद एक टीचर की ज़िंदगी गुजारने लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अरबी अदब, इस्लामियत, सवाना, अदबियात, तरतीब व तदवीन की खास मैदान थे। मतलब सैयद सुलेमान अदवी, इन सभी चीज़ों पर महारत हासिल थी, अरबी अदब, इस्लामियत, सवाना, इस्लामियत और सवाना यानी कि बायोग्राफी, तारीख़ यानी कि हिस्ट्री में भी इनका खास मैदान था, मतलब हिस्ट्री भी इनका खास मैदान था, और अदबियात हो गया यानी कि लिटरेचर, तरतीब व तदवीन यानी कि एडिटिंग वगैरह, ये सभी काम ये करते थे, इन सभी में इनकी महारत हासिल थी। आगे बढ़ते हैं, उर्दू ज़ुबान से मतलब मज़ामीन यानी कि उर्दू ज़ुबान, उर्दू भाषा से संबंधित इनका मज़ामीन यानी कि मज़मून निबंध भी है जो कि आप लोगों के बुक में दिया गया है। उन सभी निबंध का नाम पहला है नकूस सुलेमानी, दूसरा है हमारी ज़ुबान का नाम, तीसरा है मज़ामीन सुलेमान, और चौथा है मुकालात सुलेमान। मुकालात सही लिखा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुलाकात लिखा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, मुकालात सुलेमान, ठीक है। तो ये चार आप बोल सकते हैं उर्दू ज़ुबान से मुताल्लुक मज़ामीन का नाम, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देता है। नकूश सुलेमानी, हमारी ज़ुबान का नाम, मज़ामीन सुलेमान, मुकालात सुलेमान, ठीक है। शिबली नमानी की हयात पर एक किताब हयात शिबली 8 जिल्दों में लिखे। सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद शिबली नमानी की जब मौत हो गई तो ये अपने उस्ताद की मौत पर एक किताब लिखे जिसका नाम था हयात शिबली, ठीक है, जो कि 8 जिल्दों में ये लिखे थे, याद रखना है। क्वेश्चन पूछ देता है कि सैयद सुलेमान नदवी अपने उस्ताद शिबली नमानी की हयात पर जो किताब लिखे हयात शिबली वो कितने जिल्दों में था, तो 8 जिल्दों में, ठीक है। मशहूर किताबें भी इनकी ढेर सारी मशहूर किताबें हैं जो कि आप लोगों के बुक में उन सभी किताबों का नाम दिया गया है, जैसे कि अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़ रानी, सीरत आयशा, हयाम और रहमत आलम, ये सब क्या है, रहमत आलम, तो ये सभी जो है मशहूर किताबें हैं सैयद सुलेमान नदवी की। लास्ट में इनका इंतकाल हो गया 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची में। तो ये हो गया सैयद सुलेमान नदवी के बारे में सारा डिटेल्स जो आप लोगों के बुक में दे दिया गया था। इन सभी डिटेल्स को याद रखना आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक नाम के इस मज़मून में क्या क्या चीज़ें बताने की कोशिश की गई है, कौन कौन से वो लफ्ज़ हैं जो हम लोग सदियों से बोलते चले आ रहे हैं, और वो लफ्ज़ किसी दूसरे ज़बान का लफ्ज़ है, किसी दूसरे भाषा का लफ्ज़ है, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए फिर से मैं बोर्ड पर इतना लंबा चौड़ा लिख दी, और चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, फटाफट समझ लेते हैं, इतना ही है, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। जितना भी आप लोग के चैप्टर में बताया गया है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक की गई है, सारे मतलब उन चैप्टर का निचोड़ निकाल कर मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ, हर एक पॉइंट लिख दी हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए समझ लेते हैं। देखिए चैप्टर के शुरुआत में सैयद सुलेमान नदवी सभी लोगों से पूछे हैं
कि खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है, बताइए ज़रा। पूछे हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं तो उन भोजन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी भोजन है वो कौन सा है, सुबह का ब्रेकफास्ट कि 12 बजे का लंच कि रात का डिनर, बताइए कौन सा ज़रूरी खाना है। तो सभी लोग जो है ना अपने आदत के मुताबिक अलग अलग जवाब देंगे। कोई बोलेगा कि नाश्ता ज़रूरी है, कोई बोलेगा लंच ज़रूरी है, कोई बोलेगा रात का डिनर ज़रूरी है, लेकिन सैयद सुलेमान नदवी अपने हिसाब से बताए हैं, वो अपना एक तरह से अनुमान अपना अनुभव के साथ आंसर दिए हैं इसका कि खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना जो है ना वो है नाश्ता, क्योंकि हम लोग रात भर भूखे रहते हैं, रात भर हम लोग सोए रहते हैं, रात भर खाना पचता रहता है और पच कर पेट खाली हो जाता है सुबह तक, और सुबह में ज़रूरी है कि हमें कुछ मिले खाने को, तभी तो दिन की नैया पार लगेगी ना। तो जब सुबह सुबह हम लोग खाली पेट रहते हैं और कुछ मिल जाता है, नाश्ता मिल जाता है, खा लेते हैं हम लोग, नाश्ता कर लेते हैं, तब जाकर दिन की नैया पार लगती है, दिन का बेड़ा पार लग जाता है और दिन अच्छा गुजरता है। तो वही बोल रहे हैं सैयद सुलेमान नदवी कि खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है। बहुत सारे लोगों को तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, सुबह में नाश्ता नहीं करेंगे तो पेट में गैस और एसिडिटी वगैरह बना देगा। और आजकल सबसे ज़्यादा सभी घरों में आप देखेंगे गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता ही रहता है, ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रही हूँ, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है सभी के घरों में मतलब कोई ना कोई एक गैस का चूर्ण नहीं तो गैस का दवा रहेगा ही रहेगा। और गैस के दवाओं में सबसे ज़्यादा जो फेमस दवा है वो चार दवाएँ हैं, एक है एसीलॉक, दूसरा है एसीलॉक आरडी, तीसरा है ओमी जो कि खाली पेट खाया जाता है, और चौथा है कौन सा है DSR, हाँ ट्रेबिनेट DSR, मतलब लास्ट में DSR लगा रहना चाहिए। ये चार दवाएं ना सभी घरों में राज करती हैं, मतलब हर घर में आप लोगों को देखने को मिलेगा ही ये दवाएं, और नहीं तो अगर ये दवाएं नहीं मिल रही है तो गैस का कोई ना कोई एक चूर्ण मिलेगा। लेकिन इससे पता क्या चल रहा है कि लगभग सभी लोगों को गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो ये लगभग हर घर में देखने को मिलता है, अपने अनुभव के हिसाब से बता रही हूँ और ये सच है, सच है, ठीक है। तो खैर बात हटाते हैं, बात पर बात आई तो मैं आप लोगों को बता दी, खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो खाना हो गया नाश्ता, लेकिन सैयद सुलेमान नदवी बता रहे हैं कि चलो ठीक है खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है, लेकिन दूसरी ज़बानों में दूसरी भाषाओं में नाश्ता को भूख तोड़ने की इस्तिलाह बना दी गई है। जी हाँ, नाश्ता को भूख तोड़ने की इस्तिलाह बना दी गई है, मतलब हम लोगों की ज़बान में तो नाश्ता चलो ठीक है सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, लेकिन दूसरे ज़बान में दूसरे भाषा में अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो नाश्ता का मतलब भूख तोड़ना, मतलब नाश्ता को भूख तोड़ने की इस्तिलाह बना दी गई है। तो ये सुलेमान नदवी बता रहे हैं कि मैं दो ज़बानें जानता हूँ, यानी कि दो भाषा जानता हूँ, दो भाषाओं में माहिर हूँ, और वो दो भाषा है एक पूरब की और एक पश्चिम की, पूरब यानी अरबी और पश्चिम यानी कि अंग्रेज़ी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़ुबानों में माहिर है, तो दो ज़बानें दो भाषा जानते हैं, कौन कौन सा, एक पूरब की और एक पश्चिम की। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि पूरब की ज़ुबान से क्या मुराद है, तो पूरब की ज़ुबान का मतलब क्या, अरबी। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि पश्चिम की ज़ुबान से क्या मुराद है, तो पश्चिम की ज़ुबान से मुराद अंग्रेज़ी ज़ुबान, अंग्रेज़ी भाषा, ठीक है। तो सैयद सुलेमान नदवी अरबी और अंग्रेज़ी जानते हैं, अर्थात पूरब और पश्चिम की ज़ुबानें जानते हैं, और बता रहे हैं कि जो नाश्ता को भूख तोड़ने की इस्तिलाह बना दी गई है ना, ये अरबी मैं ज़ुबान जानता हूँ, तो अरबी में आप लोगों को बता सकता हूँ, अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, फतूर कहते हैं, याद रखिएगा। फतूर का मानी होता है तोड़ने के, यानी कि रोज़ा की भूख को तोड़ना, फतूर का मानी आप बोल सकते हैं रोज़ा की भूख को तोड़ना या फिर तोड़ने के है फतूर का मानी, और इसी से क्या निकला है, अफ्तार निकला है, यानी कि ये जो अफ्तार है ना, जब हम लोग रोज़ा रहते हैं तो रोज़ा की भूख को जिस भोजन से हम लोग तोड़ते हैं उसको कहा जाता है अफ्तारी, यानी कि अफ्तार से ही अफ्तारी निकला है, जिस भोजन से रोज़ा की भूख को तोड़ा जाए उसको कहते हैं हम लोग अफ्तारी। तो ध्यान में रखिएगा, अरबी में नाश्ता को कहते हैं फतूर, फतूर का मानी क्या, तोड़ने के, यानी कि रोज़ा की भूख को तोड़ना, और फतूर से ही अफ्तार निकला है और अफ्तार से ही अफ्तारी निकली है, जिस चीज़ से रोज़ा की भूख को तोड़ा जाए उसको कहते हैं हम लोग अफ्तारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फारसी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है निहार, क्या लफ्ज़ है,
नेहार, फारसी जुबान, फारसी भाषा का एक लफ्ज़ नेहार, जो कि नहार से बना है। नेहार कौन से लफ्ज़ से बना है? नहार से बना है। ना यानी नहीं और हार यानी गज़ा। ये जो नहार में ना है ना, ना का मानी होता है नहीं और हार यानी कि गज़ा यानी कि भोजन, यानी कि भोजन नहीं किया हुआ। जब आप खाली पेट रहते हो, भोजन नहीं किए रहते हो, तब बोला जाएगा नहार यानी कि नहीं किया हुआ भोजन। बहुत सारे डॉक्टर्स को आप लोग सुने होंगे दवा देते समय बोलते हैं कि इसको नहार मुँह खाना है, यानी कि जब आप कुछ भी नहीं खाए हो, जब आपका पेट खाली हो, तब इसको खाना है, यानी कि खाली पेट खाना है, नहार मुँह खाना है। तो ना मतलब नहीं, हार मतलब गज़ा यानी कि भोजन, भोजन नहीं किया हुआ। जब आप भोजन नहीं किया, आपका पेट खाली हो, उसको कहते हैं हम लोग नहार। और नहार से ही नहार मुँह बना है और नहार से ही नहारी बना है। मतलब उस भोजन को कहते हैं जो निहारी, उस भोजन को कहते हैं जिसको हम लोग खाली पेट खाते हैं। लखनऊ और दिल्ली के बाज़ारों में ये पकवान पकाई जाती है, चटपटी सी, ख़ास तौर से मतलब लखनऊ और दिल्ली में ही ये निहारी फेमस है। तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहार से याद आया आहार का। आहार आप लोग सुने होंगे शुद्ध हिंदी में। आहार का मतलब होता है वो भोजन जिसको खाने के बाद शरीर को ताकत मिले, शरीर स्वस्थ रहे, शरीर को शक्ति मिले, उसको कहते हैं हम लोग आहार। बस उसी तरह हमारे ज़ुबान में होता है, हम लोगों के भाषा में होता है। आहार आटे की उस लोई को कहते हैं जिसको कागज़ या कपड़े पर चढ़ाई जाती है, कागज़ या फिर कपड़े की कौत बढ़ाने के लिए, उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अरबी में कलिया, देखिए इसको लिखा जाता है कुलिया, पढ़ा जाता है कलिया, ठीक है। तो अरबी में कलिया भुने हुए गोश्त को कहते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान में कलिया शुरबदार गोश्त को कहते हैं। फटाफट आगे बढ़े। कोरमा तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सालों से बोलते चले आ रहे हैं हम लोग। कोरमा तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। एक होता है अहदी, एक मिनट यहाँ पर छोटी ये देना भूल गई। चलिए देखिए, यहाँ पर अलिफ़ के ऊपर ज़बर है, यहाँ पर अलिफ़ के ऊपर भी ज़बर है और हे के ऊपर भी ज़बर है, यानी कि इसको पढ़ा जाएगा अहदी और इसको पढ़ा जाएगा अहदी, इसको अहदी और इसको अहदी। तो इस अहदी का मानी होता है सुस्त और काहिल, जो हमेशा सुस्त पड़ा रहे, सोया पटाया रहे, उसको कहते हैं हम लोग अहदी। और अहदी का मानी होता है एक, कोई एक चीज़, उसको कहते हैं हम लोग अहदी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हमारी ज़ुबान का एक लफ्ज़ सुर्खी, जिसका मानी होता है उनवान। जी हाँ, सुर्खी आप लोग जानते होंगे, पहले के ज़माने में होता ये थे ना कि सभी लोग हाथ से ही लिखा करते थे, दवात और कलम हुआ करता था। दवात बोल रहे हैं, दवात और वही आप बोल सकते हैं मोर का पंख से लिखा जाता था, ठीक है। तो जो भी था, पहले के ज़माने में हाथ से ही लिखा जाता था, पहले तो प्रिंटिंग मशीन थी नहीं। तो पहले होता ये था ना कि सभी लोग जब लिखते थे ना, तो लाल यानी कि सुर्ख कलर से वो टाइटल दे दिया करते थे कि हाँ हम इस बारे में लिख रहे हैं। तो उसी को कहा जाने लगा सुर्खी, यानी कि सुर्ख कलर से लिखा गया टाइटल, हाथ से वो लोग पहले लिखा करते थे, तो उसको क्या कहा जाता था? सुर्खी। सुर्खी का मतलब क्या? उनवान यानी कि टाइटल, याद रखना है। बिल्कुल उसी तरह ये भी तो एक तरह से टाइटल ही ना है, बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक चैप्टर का टाइटल है। बस ये ब्लैक कलर के मार्कर से लिखा है, इसको मिटाकर अगर मैं रेड कलर के मार्कर से लिख दूंगी तो इसको भी सुर्खी कहा जाने लगेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कलई का मानी होता है सफ़ेदी और सफाई के। अच्छा सुनिए, कलई को फारसी में रांगा कहते हैं, और पहले तांबे के बर्तनों पर रांगा चढ़ाया जाता था, जिसको कलई फेरना कहा जाने लगा। तो कलई का मानी क्या होता है? सफ़ेदी और सफाई के। और धीरे धीरे कलई फेरना बोला जाने लगा। जब तांबे के बर्तनों पर कलई करवाई जाती थी, मतलब रांगा चढ़ाया जाता था, तो उसको कलई फेरना कहा जाने लगा। और धीरे धीरे कलई फेरना ही फेमस हो गया, सभी लोग रांगा भूल गए, कलई फेरना सभी लोग याद कर, मतलब सभी लोग बोलने लगे और कलई फेरना ही फेमस हो गया। तो कलई फेरना का मतलब क्या? ऐब छुपाना, मतलब कि गलती को छुपा देना। जैसे कि तांबे के बर्तनों पर कलई फेरी जाती थी, यानी कि रांगे को चढ़ाया जाता था और जो भी दाग धब्बा लगा रहता था उसको छुपा दिया जाता था। तो कलई फेरना का मतलब क्या? ऐब छुपाना। उसी तरह घर पर क्या होता है, पेंट चढ़वाया जाता है, जब बहुत ज़्यादा दाग धब्बा दिखाई देने लगता है तो उस पर पेंट चढ़ा दिया जाता है, साफ़ सफाई करके और पेंट चढ़ा दो, तो वो भी क्या है, एक तरह से कलई फेरना ही है। तो कलई फेरना का मतलब क्या? ऐब छुपाना। अब मान लीजिए कोई गलती किया है, कोई गलत काम किया है, आप उसकी गलती को जानते हैं कि उसने क्या गलती किया है, लेकिन फिर भी सभी लोगों को नहीं बताएं, उसकी गलती को छुपा दिए, तो भी वो क्या बोला जाएगा? कलई फेरना, ठीक है। और कलई खोलना का मानी ऐब को जाहिर कर देना, यानी कि गलती को दिखा देना, बता देना। आप किसी का राज जानते हैं, सच्चाई जानते हैं, उसने क्या गलती किया है ये जानते हैं, उसको आप लोग दिखा दिए, प्रूफ कर दिए,
सबको बता दिए, इसका मतलब क्या, आप लोग कलई खोल दिए, ऐप को जाहिर कर दिए, दिखा दिए गलती को। बहुत सारे लोगों को आप लोग सुने होंगे बोलते हुए कि आज तुम्हारी कलई खुलने वाली है, यानी कि आज तुम्हारा राज खुलने वाला है, तुम जो गलती किए हो ना आज मैं सबको बताऊँगा या फिर बताऊँगी। तो कलई खोलना का मतलब ऐप को जाहिर कर देना। तो यहाँ पर हो जाता है आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट। लेकिन इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसी चैप्टर का यानी कि चैप्टर नंबर 3 का ही टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा दूंगी, तब आप लोगों का पूर्ण रूप से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं स्क्रीनशॉट का समय देना भूल जाती हूँ, तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट में आप लोग लिखकर पूछ सकते हैं, और बाकी मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो भी कमेंट में लिखकर बताएं कि हाँ चीज़ें समझ में आ गई है पूर्ण रूप से, ठीक है। वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दे फटाफट, लाइक कर दे, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो और ऑल लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।